आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में, जो आपको ये सिम्टम्स बताएंगे कि किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, किसी भी एज में अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है तो इससे बिना टेस्ट कराए भी आप एक तरह का आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। क्योंकि कुछ इस तरह की सिम्टम्स होते हैं, कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं जिनको DMD होती है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उनमें इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि बच्चे को जो मसल्स की प्रॉब्लम है और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। जो पहला सिम्टम होता है, जो बच्चों में ख़ास तौर से हम बात करें, अगर बच्चों में जिनको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, तो उनको स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आपको इस तरह की लगेगी कि बच्चा जो है जब बैठ के उठेगा तो उसको उठने में प्रॉब्लम होगी। जैसे एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो है जब ज़मीन से ऊपर उठता है तो वह आसानी से उठ जाता है, लेकिन जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, DMD होती है, तो वो बच्चा अपने आप जो है ऊपर नहीं उठ पाएगा और वो जो है सहारा लेगा, सपोर्ट लेगा। अब वो सपोर्ट किसकी लेगा? अगर उसके साथ पास में कोई बेड है या कोई सोफ़ा है तो वो सोफे पे हाथ रखेगा, बेड के ऊपर हाथ रखेगा। अगर वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है तो वो ज़मीन पे हाथ रखेगा, और अगर ज़मीन पे भी वो हाथ नहीं रखता है तो जब थोड़ा उठ सकता है तो उसके बाद घुटने के ऊपर हाथ रख के सपोर्ट लेके बच्चा उठेगा। मतलब किसी चीज़ की सपोर्ट लेके अगर बच्चा उठ रहा है तो इससे आप एक तरह से सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि बच्चे की मसल्स जो हैं वीक हो रही हैं और बच्चा अपना जो एक मूवमेंट करना, जो बच्चा करना चाहिए वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और उसको उठने में परेशानी हो रही है। दूसरा जो सिम्टम होता है DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, और बच्चों में ख़ास तौर से वो ये कि बच्चा जो है एड़ी उठा के चलने लगता है। बच्चा एड़ी उठा के जब चलेगा और पंजे के ऊपर चलेगा, इसका मतलब जो उसकी जो पैर की जो मसल्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं, सुकड़ रही हैं, जिससे बच्चा पूरा पैर जो है, पंजा अपना नीचे ज़मीन पर नहीं रख पा रहा है और वो पंजे के ऊपर चल के चलने की कोशिश करेगा, एड़ी को उठाएगा, जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो ये है हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल। जो काफ मसल्स होती हैं, जो नीचे टांग के जो पीछे का हिस्सा होता है, वो DMD के जो बच्चे होते हैं, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे होते हैं, वो मोटा हो जाता है। वहाँ पर मसल्स जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इस तरह जैसे एक पत्थर होता है, इतना हार्ड वहाँ पर हो जाता है। मसल्स जो है डेड होके, श्रिंक होके, सुकड़ के इकट्ठी होने लगती हैं और वो एक पत्थर की तरह हार्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये भी एक सिम्टम होता है DMD या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। और इसके बाद एक और जो सिम्टम होता है वो होता है आपका कि बच्चा चलते चलते गिर जाता है। जिन बच्चों को ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो चलने से या कहीं ऊंचा नीचा कहीं पर भी आएगा तो वो गिर जाएंगे। तो ये चार तरह के सिम्टम अगर किसी बच्चे में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब उस बच्चे को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और हम 95% या 90% तक कह सकते हैं, अगर ये चार सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और इसको कंफर्म करने के लिए CPK जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। अगर CPK भी बड़ा हुआ बच्चे का है तो उससे बहुत हद तक कन्फर्म हो जाएगा कि बच्चे को DMD या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इस तरह इन चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, DMD है, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे बताया गया है पहले भी कई वीडियोस में कि जो बेस्ट ऑप्शन होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट के बारे में वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करने से बहुत हद तक जो है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, मसल्स को रिवाइव कर सकते हैं।